दोस्तों, मेरे चैनल में मैं नीता दत्ता शर्मा आज आप लोग को रॉ मसाला से सब खड़े मसाला हल्का हल्का उससे हम घरेलू चिकन आपको आज हम बता रहे हैं। झटपट ये बन भी जाता है। मान लीजिए कोई घर में मेहमान वगैरह आ जाए तो आप जल्दी सा बना सकते हैं। मेरे पास सब आपका बुका हुआ मसाला है। हमने हल्का दही लिए हैं, दो प्याज को हमने चॉप कर लिए, लहसुन है एक बड़ा लहसुन है उसको थोड़ा थोड़ा, एक कुछ लहसुन को हमने खड़ा रखे हैं, कुछ लहसुन को हमने थोड़ा सा इसको थूर लिए हैं, थोड़ा सा एक आधा इंच अदरक लिए हैं, एक छोटा सा टमाटर लिए हैं और इसमें आपका 3 चम्मच ये चम्मच जो है इसे हमने 3 चम्मच ये लिए हैं आपका तेल लिए हैं और इस चम्मच से हमने 1 चम्मच 1 टेबल स्पून हल्दी, मिर्चा, धनिया और 1 से थोड़ा माने 1/2 चम्मच हमने नमक लिए हैं, ठीक है। और ये हमारा गरम मसाला है। अब इसी को सारा को हम देकर अभी हमने मैरिनेट करेंगे। आप हमारे साथ रहें और देखें कि हम किस तरह करके कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसमें सबसे पहले हम इसमें, हाँ एक चीज़ बता दे रहे, ये हमने 600 ग्राम चिकन लिए हैं, बोल चिकन, ठीक है। 600 ग्राम हमने चिकन लिए हैं। इसमें 2 बिग साइज हमने ओनियन लिए हैं, प्याज है, प्याज को हमने चॉप कर लिए हैं, इसमें मिला दिए हैं, इसमें टमाटर मिला दे रहे हैं, हाफ अदरक मिला दे रहे दोस्तों। अब उसमें सारा मिला लिए थे अदरक वगैरह सब, अब इसमें हम मसाला मिक्स कर रहे हैं। देखिए धनिया दे रहे, इसमें हल्दी पाउडर मिला दिए, जीरा दे दिए और ये गरम मसाला है, सारा चीज़ है, इलायची है, लौंग है, बड़ी इलायची है, दालचीनी सब मिला दिए और इसमें नमक और चीनी, ठीक है। अब इसमें पूरा जैसे इसमें हल्दी मिला, सॉरी आदि मिला दिए और तेल। अब इसको सबको हम मिक्स करके सारा को हम जैसे जितना मीठ है सबको मिक्स करके हमने 1 घंटा के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए अब हम छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम गैस में इसको बनाएंगे, इसको 1 घंटा के लिए। एकदम साधारण मीठ है, खाने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप रोटी से, परोठा से, पूरी से, किसी चीज़ से भी आप खाइए, एकदम कुछ नहीं, घर में इसके तुरंत मीठ लाइए, सारा मसाला करके तुरंत, इसका कोई ये झंझट नहीं है कि हाँ हमको प्याज ये करना है, मसाला भूंजना है, ये भूंजना है, कुछ नहीं। एकदम सोचिए कि आपका ये बॉयल चिकन का ये है करके, बस इसको देखिए हम इसको बैठा देंगे। उसके बाद आपको 1 घंटा के बाद फिर हम आपसे, अब इसको 1 घंटा के लिए हम अब ढक दे रहे हैं और फिर आपसे हम 1 घंटा के बाद मिलते हैं। हेलो दोस्तों, अब देखिए 1 घंटा मेरा मैरिनेट हो गया है। अब गैस में कढ़ाई चढ़ाकर हमने गैस को ऑन कर दिया है, ठीक है। अब देखिए अब गैस को ऑन कर दिए हैं, देखिए कितना अच्छा मैरिनेट मेरा हो गया है, देख रहे हैं ना, एकदम इजी प्रोसेस है। आप लोग बनाइए, इतना अच्छा लगेगा खाने में, एकदम ये हल्का मसाला देखकर। और तेल बहुत कम तेल हम दिए इसमें, तेल सोचिए कि 3 छोटा सा चम्मच से ही हमने तेल डाले हैं, ये है 1 टेबल स्पून, इसी से ही हमने 3 चम्मच तेल डाले हैं, इससे ही हम इसको अब बना रहे हैं। आप लोग देखिए चढ़ा दिए गैस में, अब हल्का हल्का कम सिम में हम इसको, जो चिकन है बॉयल चिकन का, हम कम सिम में हम इसको फ्राई करेंगे। आप लोग देखिए अंत तक हम कैसे बना रहे हैं। हेलो दोस्तों, अब देखिए हम लीड हटाकर कम सिम में जो चिकन को चढ़ाए थे, देखिए देख रहे हैं कितना अच्छा, ये पूरा पानी जो है, देखिए प्याज का पानी, देखिए कितना अच्छा प्याज का पानी में ये पक रहा है हमारा चिकन। सिर्फ इसमें जब हल्का फ्राई और हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी खाली हम डाल देंगे प्याज के पानी से, और इससे ही हमारा ये बना रहे कढ़ाई वाला, देख रहे हैं। अब इसको हल्का सिम कर करके हम ढक ढक के बना रहे हैं, बस इसको और थोड़ा देर और इसको फ्राई करेंगे। अब देखिए दोस्तों लीड हटाकर देख रहे हैं, देखिए कितना अच्छा। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो प्याज हम ऊपर से पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें हमने डबल बड़ा 2 प्याज डाले थे, उसी प्याज का पानी से ये चिकन जो हमारा सीझ जाएगा, देख रहे हैं। अब ऊपर से हम पानी, बस प्याज का पानी से ही हम इस मीट को बना रहे हैं, सारा रॉ मटेरियल डाले हैं। ये एक तो नया टाइप का हम मीट बनाया है, आप लोग को अच्छा लगे तो देखिए बनाकर, बस और हम 10 मिनट इसको पका कर, 10 मिनट और हल्का सीज तो गया, हल्का और थोड़ा सीजने देंगे, इसके बाद गैस को
ऑफ कर देंगे, ब्लीच को आप 10 मिनट बाद गैस को ऑफ कर देंगे। अब देखिए लीड को हटाकर, हाँ देखिए कितना अच्छा, अब इसमें गरम मसाला डाल दे रहे हैं, गरम मसाला डालकर कितना अच्छा मेरा तैयार हो गया है, देख रहे हैं चिकन बॉयल, कढ़ाई चिकन बॉयल कितना अच्छा बन गया है। अब हम गैस को ऑफ कर दे रहे हैं। मेरा कढ़ाई चिकन देखिए एकदम रॉ मटेरियल से पूरा जो बनाए थे प्याज का रस से ये हमारा चिकन तैयार हो गया है, देख रहे हैं। अब रोटी परोठा पूरी गरम भात, अब चाहे तो गरम इसमें आप गरम पानी थोड़ा दे भी सकते हैं झोल के लिए, रस्सा के लिए, लेकिन हम डाले नहीं है, हम प्याज के रस में ही इसको चिकन को हम तैयार किए हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो हमें लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, ठीक है। यदि अच्छा लगे तो हम फिर एक नया डिश आपके सामने लेकर आएंगे। नमस्कार।